आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस मनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ झटपट बन जाने वाली ब्रेड चाट की रेसिपी, जिसे सभी चटकारे लेकर खाएंगे। ऐसे तो ब्रेड चाट में बहुत वेरिएशन है, ये अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो आइए आज मेरी तरीके से डिलीशियस ब्रेड चाट की रेसिपी बनाना शुरू करते। यहाँ पे मैं ले रही हूँ व्हीट ब्रेड, ताकि हम हेल्दी चाट बना सकें। अब इन ब्रेड को हम पीसेस में कट करके ले लेंगे। इस तरह लंबा काटने के बाद हम इसे और छोटे पीसेस में कट कर देंगे, यानी यहाँ पे चार पीसेस और कर लेंगे। ये देखिए, छोटा कट करना चाहते हैं तो छोटा कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के पीसेस हमें कट करके ले लेने हैं। जब मैं 15-16 साल की थी, तब मैंने इस रेसिपी को मैगजीन में से पढ़कर इसे पहली बार बनाया था। तो उसमें लिखा था, स्लाइस पर कटोरी रखकर उसे गोल आकार में कट करके उसे डीप फ्राई कर लेना था। तो मैंने भी यही तरीका फॉलो किया। जब हम चाट एंजॉय कर रहे थे, तब हम उस ब्रेड को कट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रेड काफ़ी क्रिस्पी था। और तब से मैं इस ब्रेड को पीसेस में कट करके ही ये चाट बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 स्लाइसेस ब्रेड के कट करके ले लिए हैं। पैकेट में जो सबसे पहला और जो सबसे लास्ट जो ब्रेड आती है, उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। चलिए, अब कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम करके ले लिया है। अब उसमें हमने ये जो ब्रेड के पीसेस कट करके लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। और पहले तुरंत हम इसे मिक्स करके ले लेते हैं। ऐसे तो ये डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन हम इसे रोस्ट करके ले लेंगे। बहुत ही कम तेल में हम इसे बना लेंगे। तेल के बदले यहाँ पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। आधा टेबलस्पून नमक, आधा टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन नमक ज़रूर मिला दें। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक भून लेंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में पाव भाजी बनी है और पाव बच गए हैं, तो उस समय हम पाव का इस्तेमाल ब्रेड चाट में कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई में ही ठंडा करके ले लेते हैं, ताकि थोड़ी बहुत भी नमी इसमें है तो वो भी निकल जाए। ये देखिए, आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए, तो इसको पहले ठंडा होने देते हैं। ब्रेड क्रिस्पी हो गए हैं। आप चाहे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे हफ्ते के लिए। अब उसी प्रकार मैंने यहाँ पे रोटी से ये चिप्स बनाए हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी क्रिस्प बने हैं। तो अगर आपको ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है, बची हुई रोटी से भी आप ये चाट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही, जिसे मैंने अच्छे से फैट कर ले लिया है, और उसमें आधा टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून शक्कर डालकर मिला लिया है। चने को उबाल कर ले लिया है, और उबालते वक्त उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। आलू को उबाल कर ले लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया जिसे बारीक कट कर ले लिया है, टमाटर और प्याज। आइए अब इसे असेंबल कर लेते हैं। एक सर्विंग प्लेट में हम ये क्रिस्पी ब्रेड ले लेते हैं। ये जो फेटा हुआ दही है वो डाल देंगे। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, और गर्मी के मौसम में तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसे पूरा हम दही से कवर कर लेंगे। ये उबले हुए आलू डाल देंगे, उबले हुए चने, आपको जो पसंद हो उस अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज। इस पर हम लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। आपके टेस्ट के अनुसार इसे भी कम ज़्यादा डाल दें। स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर,
से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप इस पर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लास्ट में हरी धनिया। बस तो ये जो हमारे क्रिस्पी ब्रेड इसमें हमने डाले हैं वो सौगी होने से पहले ही सर्व कर दें। मैं तो इस तरह से ब्रेड चाट बनाती हूँ, लेकिन आप इसमें आपके मनपसंद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मकई के दाने, पत्ता गोभी, गाजर, बीट, चटनियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी, तीखी या लहसुन की। सेव यूज़ कर सकते हैं, बारीक सेव, आलू की सेव, आप जैसे बनाना चाहे वैसे आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। चल दें, बाय।